हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। दोस्तों, जैसा कि मैं अपने पहले वीडियो में आप लोगों को बता चुका हूं कि बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट एक बेस्ट परफॉर्मिंग और लॉन्ग लाइफ लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए बहुत जरूरी होता है। पर आज हम डिटेल में बात करेंगे कि आखिर इंटरनल रेजिस्टेंस होता क्या है और हमारे सेल और बैटरी पैक की लाइफ पर इसका क्या असर होता है। साथ ही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि लिथियम आयन बैटरी पैक के लिए सही सेल का सिलेक्शन आप IR मेजरमेंट टेक्निक से कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप अपनी बैटरी पैक के लिए सही इंटरनल रेजिस्टेंस का मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ईवी मेनिया। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, इंटरनल रेजिस्टेंस को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग बैटरी की वर्किंग को समझते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बैटरी में बेसिकली दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जैसे कि हम लोग एनोड और कैथोड कहते हैं, और ये दोनों एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के थ्रू सेपरेट होते हैं और इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है जिसके कारण की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। अगर हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस को डिफाइन करें तो बेसिकली इंटरनल रेजिस्टेंस एक तरह से अपोजिशन या फिर बैरियर का काम करता है जो कि बैटरी में अंदर और बाहर आने वाले दोनों तरह के करंट को रिस्ट्रिक्ट करता है, यानी कि चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों समय ही करंट के फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करता है। दोस्तों, जैसा कि आप एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि नल में हम लोग पानी के फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि दूसरे एग्जाम्पल में पानी का फ्लो फ्री फ्लो है, यानी कि एक में रेजिस्टेंस है दूसरे में नहीं है। दोस्तों, यहां मैं आप लोगों को एक बात जरूर बता देना चाहता हूं, हर एक बैटरी यानी कि सेल की अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए हर एक सेल का अपना इंटरनल रेजिस्टेंस भी अलग अलग हो सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस को हम लोग IR से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि आखिर IR मेजरमेंट एक अच्छे बैटरी पैक के लिए क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम लोग बात करें बैटरी लाइफ की, तो IR मेजरमेंट के थ्रू हम लोग बैटरी की लाइफ का पता लगा सकते हैं। साथ ही हमको IR से यह भी पता चलता है कि बैटरी की एज कितनी है। इसके अलावा अगर किसी बैटरी पैक में जो सेल्स हम लोग यूज कर रहे हैं उनकी IR यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा है तो ये सेल जल्दी डैमेज हो जाएंगे, स्पेशली अगर ये सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के बैटरी पैक में यूज हो रहे हैं। जिन सेल्स का इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है वो हायर लोड यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के केस में भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और एक अच्छे बैटरी पैक के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग प्रॉपरली इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट करें और जो सेल बेस्ट है उसी का यूज करें और उनको प्रॉपरली अरेंज करें ताकि हमको एक बेस्ट और लॉन्ग लाइफ बैटरी पैक मिल पाए। अब हम समझते हैं कि एक लिथियम आयन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस किन किन चीजों से अफेक्ट होता है। सबसे पहले अगर बैटरी की एज की बात की जाए तो मैक्सिमम लोगों का ये मानना है कि बैटरी की एज जितनी ज्यादा होती है उसका IR भी उतना ज्यादा होता है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि IR का बैटरी की एज से कोई लिंक नहीं होता, ये थ्रू आउट नॉर्मली फ्लैट ही होता है, पर मैक्सिमम लोग यही मानते हैं कि हायर द एज हायर द IR ऑफ लिथियम आयन सेल। इसके बाद अगर बात करें तो बैटरी एलिमेंट यानी कि बैटरी के अंदर के इलेक्ट्रोलाइट और एनोड और कैथोड के मटेरियल से भी आपका बैटरी का IR इंपैक्ट होता है, यानी कि मटेरियल अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उसका IR उतना ही कम होगा। इसके बाद टेम्परेचर IR को काफी अफेक्ट करता है, यानी कि अगर आपके एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर काफी कम है तो बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस भी काफी ज्यादा होगा और हायर टेम्परेचर पे IR कम हो जाएगा। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टी, बैटरी की मैन्युफैक्चरिंग और उसके अंदर के केमिकल्स की कंपोजिशन भी IR को काफी ज्यादा इंपैक्ट करती है। इसके बाद बात करें तो डिस्चार्ज करंट की, बैटरी को जितना हायर रेट पे डिस्चार्ज किया जाता है उसका इंटरनल करंट भी उतना ज्यादा बढ़ता जाता है, यानी कि आप बैटरी को जितने हायर रेट से डिस्चार्ज करेंगे वो धीरे धीरे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाती जाएगी। अब हम समझते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस आखिरकार हमारे सेल और हमारे लिथियम आयन बैटरी पैक की लाइफ को कैसे अफेक्ट करता है। सबसे पहले अगर बात करें तो जिन सेल्स का IR ज्यादा होता है उनकी लाइफ भी कम होती है, यानी कि हायर द इंटरनल रेजिस्टेंस लोअर द एज ऑफ सेल। इसके बाद अगर IR ज्यादा है तो आपकी बैटरी का डिस्चार्ज इंडिकेशन भी आपको पहले ही मिल जाएगा और आपकी बैटरी का डिस्चार्ज रेट भी काफी कम होगा, यानी कि अगर आप इस बैटरी को सेल को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज करते हैं तो आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करंट नहीं मिलेगा और आपकी बाइक का परफॉर्मेंस भी स्लगिश हो जाएगा और स्लो हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपकी सेल का IR ज्यादा है तो डिस्चार्ज के समय आपके सेल का टेम्परेचर भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आपके इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण आपके सेल का टेम्परेचर भी डिस्चार्ज के समय बढ़ जाएगा, इसलिए ये सेल दूसरे सेल से पहले डैमेज हो जाएंगे और आपके पूरे बैटरी पैक की बैलेंसिंग को डिस्टर्ब कर देंगे
और आपके ओवरऑल लिथियम आयन बैटरी पैक की लाइफ को कम कर देंगे। आइए अब जानते हैं कि एक लिथियम आयन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आप कैसे मेजर कर सकते हैं। हालांकि 3 से 4 कॉमन टेक्निक्स का यूज करके आप किसी भी लिथियम आयन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, लेकिन जिस टेक्निक का मैं यूज करूंगा वो है डीसी इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेक्निक। ये टेक्निक सिंपल तो है ही, साथ ही इसकी रिलायबिलिटी भी काफी अच्छी है। और जिस तरह से आप देख रहे हैं, इसी टाइप का एक सर्किट में डिजाइन करके एक लिथियम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकालूंगा। और इसके लिए जिस फॉर्मूले का यूज करूंगा वो है V=IR, यानी कि ये ओम्स फॉर्मूला है और जिसका मतलब है वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो आइए निकालते हैं सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, लिथियम आयन सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को मेजर करने के लिए जिस सेल का मैं सबसे पहले यूज करने जा रहा हूँ वो है लिथियम कोबाल्ट सेल। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस सेल की सीरीज है 18650 और ये 2000 mAh का है और इसकी वोल्ट रेटिंग है 3.7 वोल्ट। इसके बाद जिस सेल का हम लोग इंटरनल रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे वो है लिथियम फेरस फॉस्फेट सेल, और जैसा आप देख सकते हैं ये है 12650 सीरीज का, इसकी करंट रेटिंग है 6000 mAh और ये 3.2 वोल्ट का है। सेल का रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए मैंने एक सिंपल सर्किट तैयार किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें मैंने यूज किया है सबसे पहले लिथियम फॉस्फेट सेल, उसके बाद मैंने एक रजिस्टर का यूज किया जो कि 1 ओम का है और एक मल्टीमीटर जिसमें कि मैंने वोल्टेज के हिसाब से सेटिंग की हुई है। अब दोस्तों, सबसे पहले हम लोग लिथियम फॉस्फेट सेल का ओपन वोल्ट मेजर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ओपन वोल्ट अभी आ रहा है इसका है 3.21 वोल्ट। फिर से हम लोग मेजर करके देखते हैं और ये फिर से हमको 3.21 मिल रहा है, यानी कि इस फॉस्फेट सेल का ओपन वोल्ट जो है वो है 3.21 वोल्ट। अब हम लिथियम फॉस्फेट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं मेरा लिथियम फॉस्फेट सेल और ये मेरा 1 ओम का रजिस्टर और ये मेरा मल्टीमीटर, और जिसके प्रोब से मैंने ऑलरेडी रजिस्टर को कनेक्ट कर दिया है। अब मेजर करते हैं इसके वोल्ट। जैसा कि आप लोग मल्टीमीटर में देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस लगाने के बाद आपके सेल के वोल्टेज को स्टेबलाइज होने में टाइम लगता है, यहाँ पर 3.18 वोल्ट का फाइनल मेजरमेंट आया है। अब हम मेजर करेंगे लिथियम कोबाल्ट सेल का ओपन वोल्टेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरा लिथियम कोबाल्ट सेल, अगेन मैं 1 ओम का रजिस्टर यूज कर रहा हूँ और मल्टीमीटर, और इसमें मैंने वोल्ट सेटिंग कर ली है। अब दोनों प्रोब्स का यूज करके आप देख सकते हैं जो वोल्टेज मुझे मिलने वाला है वो है 3.51 वोल्ट। फिर से हम लोग एक बार वो चेक कर लेते हैं और यहाँ पर मुझे वोल्टेज मिल रहा है 3.51 वोल्ट। अब हम मेजर करेंगे लिथियम कोबाल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 1 ओम के रजिस्टर को प्रोब के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर लिया है और यहाँ मल्टीमीटर में वोल्ट की सेटिंग कर ली है। अब जब मैं सेल्स के दोनों तरफ प्रॉब लगाता हूं तो आप देख सकते हैं यहां पर वोल्टेज स्टेबलाइज होने में थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि अब सर्किट में रेजिस्टर कनेक्ट है। यहां पर आप देख सकते हैं और ये जो फाइनल वोल्टेज मुझे मिल रहा है वो है 3.46 वोल्ट। तो अब हम जानते हैं कि कैसे लिथियम आयन सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, और सबसे पहले शुरुआत करते हैं लिथियम फॉस्फेट सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमने पहले वीडियो में जो मेजर किया हुआ है, एक लिथियम फॉस्फेट सेल का ओपन वोल्टेज हमारा था 3.21 वोल्ट और रजिस्टर लगाने के बाद जो वोल्ट हमने मेजर किया था वो था 3.18 वोल्ट का, और जो रजिस्टर का हमने यूज किया था वो था 1 ओम की रेटिंग का। और ओम्स फॉर्मूला यानी कि V=IR का यूज करके अगर हम करंट की बात करें तो करंट हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टर, और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं कि रेजिस्टर लगाने में जो वोल्ट हमको मिला था वो था 3.18 वोल्ट और रेजिस्टर हमने यूज किया था 1 ओम का, इसलिए हमारा करंट होगा 3.18 डिवाइडेड बाय 1, यानी कि 3.18 एम्पियर। इसके बाद अगर इफेक्टिव वोल्टेज की बात की जाए तो वोल्टेज नो लोड माइनस इफेक्टिव वोल्टेज आफ्टर रजिस्टर, तो यानी कि 3.21 जो कि नो लोड वोल्ट था, और रजिस्टर लगाने के बाद जो हमको इफेक्टिव वोल्ट मिला था वो था 3.18। तो हमारा जो इफेक्टिव वोल्टेज होता है वो होता है 0.03 वोल्ट। इसके बाद दोस्तों हम लोग जानेंगे बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस, और जैसा कि ओम्स फॉर्मूले में पता चलता है कि वोल्टेज इंटरनल रेजिस्टेंस इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, तो यहाँ पर जब हम लोग इफेक्टिव वोल्टेज यानी कि 0.03 वोल्ट को जो हमारी करंट आई थी यानी कि 3.18 से डिवाइड करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है इंटरनल रेजिस्टेंस की वो है 0.0094 ओम,
इसको मिली ओम पे कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो लिथियम फॉस्फेट सेल का मैं अपनी बैटरी में यूज कर रहा हूँ उसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पर निकला है 10 मिली ओम का, जो कि काफी सही है और इसका मैं लिथियम आयन बैटरी पैक में यूज कर सकता हूँ। अब हम निकालेंगे लिथियम कोबाल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस। जैसा कि आपने वीडियो में देखा था कि लिथियम कोबाल्ट सेल के केस में हमको जो ओपन वोल्टेज मिला था वो था 3.51 वोल्ट, और रजिस्टर लगाने के बाद वोल्टेज मिला था वो था 3.46 वोल्ट, और हमारे रजिस्टर की रेटिंग थी 1 ओम की। और अगेन ओम्स फॉर्मूला वी इक्वल्स टू आईआर का यूज करके जो करंट हम लोग निकालेंगे वो है 3.46 डिवाइडेड बाय 1 ओम, यानी कि 3.46 एम्पियर का करंट। और अगर इफेक्टिव वोल्टेज निकालते हैं तो नो लोड वोल्ट माइनस वोल्ट आफ्टर रेजिस्टेंस, यानी कि 3.51 माइनस 3.46 वोल्ट, यहाँ पर जो हमको इफेक्टिव वोल्ट मिल रहा है वो है 0.05 वोल्ट का। अब हम लोग निकालेंगे लिथियम कोबाल्ट सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी कि आर इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय करंट, और जो हमारा इफेक्टिव वोल्ट है वो है 0.05 वोल्ट, जिसको कि हम लोग करंट से डिवाइड करेंगे तो था 3.46 वोल्ट, और जो लिथियम कोबाल्ट सेल में हमको इंटरनल रेजिस्टेंस मिलेगा वो है 0.114, और इसको मिली ओम में कन्वर्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि ये 15 मिली ओम का है। इस सेल की करंट रेटिंग भी कम होने के बाद भी ये 15 मिली ओम का है, तो देख सकते हैं कि इस सेल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है जितनी कि मेरे लिथियम फॉस्फेट सेल की क्वालिटी है। दोस्तों आप देख चुके हैं कि मेरे लिथियम फॉस्फेट सेल जो कि मैं अपनी गाड़ी की लिथियम आयन बैटरी पैक में यूज करने वाला हूँ उसका रेजिस्टेंस करीब निकला 10 मिली ओम का, और जो लिथियम कोबाल्ट सेल है उसका रेजिस्टेंस आया तकरीबन 15 मिली ओम का। यानी कि अगर आपके सेल का रेजिस्टेंस कम है तो उस सेल की क्वालिटी और लाइफ उतनी ज्यादा होगी। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि अब अपने आप जो भी आपने सारे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस निकाला है, अब आप सारे सेल्स को उसके अकॉर्डिंगली सेग्रीगेट कर लीजिए, यानी कि जिन सेल का रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस एक दूसरे के आसपास है उन सेल्स का आप अलग से एक बंच बना लीजिए, और अब इसी बंच के अकॉर्डिंगली हम लोग अपने लिथियम आयन बैटरी पैक की असेंबली करेंगे। अब मैं आपको आगे समझाता हूँ अब आपको इंटरनल रेजिस्टेंस मेजरमेंट के थ्रू कैसे अपने लिथियम आयन बैटरी पैक की असेंबली करना है। दोस्तों सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए मैंने आइडेंटिकल एक मॉड्यूल तैयार किया है लिथियम आयन सेल का, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने 5 सेल का सीरीज कॉम्बिनेशन किया हुआ है और 4 सेल का पैरेलल कॉम्बिनेशन किया हुआ है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि अलग अलग आईआर के सेल्स को आपको कैसे असेंबली करना है। सबसे पहले तो आपको ये याद ध्यान रखना है कि जो भी सेल एक दूसरे के आईआर के आसपास हैं, यानी कि जिन सेल का आईआर एक दूसरे के काफी क्लोज है उनको आपको उनकी असेंबली आपको सीरीज में करनी है, और जो सेल आईआर में काफी डिफर है उन सभी को आपको पैरेलल में कनेक्ट करना है। यहाँ पर आप इस कनेक्शन में देख सकते हैं कि जिन सेल के आईआर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है उनको पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। एक अच्छे और लॉन्ग लाइफ बैटरी पैक के लिए इस टाइप का असेंबली बहुत जरूरी है, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि इंटरनल रेजिस्टेंस मेजर करने के बाद आपको असेंबली भी आईआर के बेसिस पे ही करनी है, ताकि आपको एक अच्छा बैटरी पैक मिल पाए और जो आपके रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से फुलफिल। मैं आपको मेरे लिथियम आयन बैटरी पैक के डेवलपमेंट के बारे में तो बताऊंगा ही, साथ ही मैं इस लिथियम आयन बैटरी पैक का ट्रायल लेने के बाद इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी आप लोगों को अपडेट करूंगा, और उसके बाद मैं आपको BMS और उससे होने वाले फायदे के बारे में बताऊंगा, और ये भी बताऊंगा कि BMS बेसिकली एक लिथियम आयन बैटरी पैक में क्या फंक्शन करता है और इसका क्या रोल है। तो दोस्तों देखते रहिए मेरे आने वाले अगले वीडियो, और साथ ही मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने की हर संभव कोशिश करें। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।